हाँ भाई, क्या चल रहा है? मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अरे अरविंद भाई, प्लेग्राउंड जीत गए, खुशी का दिन है। मामा मिठाइयाँ बांटो, मेरी मौत की खुशियाँ दो सबको। एक बार फिर से हार गया मुनावर। मैं बहुत खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। ओके, तो वीडियो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हाफ में हम बात करें मुनव्वर एलविश, और फिर सेकंड हाफ में बात करें बिग बॉस एकता कपूर की माँ की। इज्जत करो। हाँ, तो टाइम मैंने दे दिया होगा तुम्हें, सेगमेंट में दिख जाएगा, तो जो देखना देखो और देखो। अच्छा है मैं अंधा हूँ। अबे सरकार थोड़ी हो तुम, जो गरीब और प्रॉब्लम देख के मुंह घुमा रहे हो, अंधे हो जा रहे हो। चुप। बट मुनव्वर फारूकी एक बार फिर से हार गए हैं। और हारेंगे कैसे, नहीं हमारे एलविश भाई है, एलविश भाई। और एलविश भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? बट भाई तू तो मुनव्वर की साइड में ना। कब? तो पागल है, कब था मैं तो हमेशा से गवार हूं। मैं सब पे नहीं, अबे कौन सी आर्मी है? गवार नहीं थी, गमला नहीं, एलविश आर्मी में था। एलविश भाई रॉक्स, मुनव्वर सॉक्स। फिर से जीत गए एलविश भाई। भाई मांग हैरान हो, मैंने देखा ही नहीं सीजन, बट फिर भी मैं खुश हूँ, मैं एलविश भाई के लिए खुश हूँ। दुख मुझे मुनव्वर भाई का हो रहा है यार, हारे कैसे, हारे टॉप टू में भी नहीं पहुंचे हम। क्या अबे क्या लोग हो तुम, हैं? वैसे तो बोलते भाई मुनव्वर की बात कर, इतनी बात करवा दिया फिर से। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी एलविश भाई की है। दिल से बोल रहा हूँ ये बात, कि भाई बंदे में कुछ तो बात है भाई। भले हम उसे गवार सपेरा गमला आर्मी बोलते रहे, बट बंदे डेडिकेटेड है। और वही ऑडियंस देखते मैं एलविश की रिस्पेक्ट करता हूँ। बट एट दी सेम टाइम मैं ये भी सोचता हूँ, इनके लिए दुनिया बचानी है, करो पोल्यूशन बहन की पकौड़े, करो मार दो सालों सबको। बात तो सही है। बस एक ही बात कहना चाहूंगा एलविश भाई को, भाई इस बार ट्रॉफी कंटेस्टेंट को दे देना, अपने व्लॉग में मत दिखाना कि अभी भी लकी पड़ी है। सही बात है। और सीरियस नोट, एक्चुअली मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एलविश जीते मुनव्वर जीते, क्योंकि मैं प्लेग्राउंड देखता भी नहीं था। मैंने देखा थोड़ा बहुत, वो भी मुनव्वर की वजह से। और एलविश और मुनव्वर की दोस्ती और भाईचारा जो फन होता है उनके बीच में, वो देखने में मजा आता है, यकीन नहीं। हाँ, स्टोरी डाली हमने, और एक्चुअली मैं ज्यादा खुश हुआ कि एलविश जीता। नहीं मालूम है तुम लोग यकीन नहीं करोगे, बट मैं खुश हुआ क्योंकि मैंने एक क्लिप देखी जहाँ पे राव साहब ने कहा ये, अगर मैं ये शो नहीं जीता तो मैं उर्फी के नाम का टैटू करवा रहा हूँ। वो हर महीने स्पेलिंग चेंज करती है। राव साहब खुश हुए कि वो जीते, बट वो खुशी डबल हुई कि अब टैटू तो नहीं कराना पड़ेगा। और यही सोच के मैं खुश हुआ कि चलो बच गए एलविश भाई बच गए। वो टैटू की बात कर रहा था, ये बंदी शादी तक ले गई। अबे और एलविश भाई, मानो या ना मानो, अगर वो जोक्स करते हैं तो उन्हें जोक्स लेना भी आता है। मतलब अभी एक क्लिप मिली थी मुझे, बहुत फनी लगी मुझे, थोड़ी लंबी क्लिप है, देख लो। लोगों ने बाहर आपको एक नया नाम दिया है, बहन का घोड़ा। क्योंकि आप घोड़ा बनके बहनों की नैया पार करवाते हैं। घोड़ा नैया? रुक जा भाई, भाई ने कान में घोड़े ले रखे। अगला आरोप। हाँ, तो आज मैं ऑफिशियली ज्वाइन कर रहा हूँ एलविश आर्मी। कल से तुम मुझे गवार बोल सकते हो, सांप के नशे करने वाला बोल सकते हो, गमला चोरी मैं सीखना शुरू कर चुका हूँ। कुछ भी। बट फिनाले में एक चीज और अच्छी हुई, स्टैंड अप देखने को मिला। अरे वो 5 मिनट का सेगमेंट है यार, वो 5 मिनट तो मैं बजाऊंगा नहीं, तो छोटी क्लिप बजा दूंगा जो भी मेरे को फनी लगा थोड़ा बहुत। एलविश भाई और मुनव्वर जो है वो दोनों बहुत बेहतरीन लोग हैं। एक तो काम बहुत है इनके पास, पूरे साल बिजी रहते हैं, 6 महीने जज करते हैं और 6 महीने जज के सामने माफी मांगते रहते हैं। भाई अरियांश को अगर बोला होता ना मेरा गूखा, ये उसको पूछता पंखों को कि चॉकलेट फ्लेवर में है क्या। गू से याद आया वैभव। बट अब इसके बाद करेंगे बात बिग बॉस की, क्यों? क्योंकि बिग बॉस की माँ का खुदाई कर दो भाई से। देखो मोस्टली मैंने जो कल की वीडियो में बोला था वो सही गया, 70% ऑलमोस्ट सही था, बस विवियन वाला गलत हो गया मेरे से। मुझे लगा विवियन को झाड़ रहे हैं, अरे झाड़ा ही नहीं वो भाई लिजिट, वो मैं 2 बार देखा है, पलट के रिपीट में देखा है मैंने, कि ये बात एकता कपूर घुमाई क्या, क्या घुमाई विवियन को बोला तो क्या, अरे वो विवियन को नहीं था, वो ऑडियंस को था तो क्या, लाडला है हमारा। अरे बात घुमा के पूरा सीन तुमने रजत और चाहत पांडे पे कर दिया, वुमन गार्ड विक्टिम गार्ड जो भी है। रजत पे चलो मैं कुछ नहीं बोलता, रजत ने भाई पलट के जवाब दिया, सॉलिड जवाब दिया, रिस्पेक्ट। और एक तो एकता कपूर से जब उसने बोला कि रास्ते में जा रहे हो लड़ाई छुड़ाओ, गया हाँ छुड़ाओ भाई साहब, मैं लड़का मैं बता रहा हूँ दिल्ली से, और हम लोग मोस्टली लड़ने को तैयार ही रहते हैं, अंधेरे में मैं अकेला हूँ, 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में,
और कोई नहीं है वहाँ पे, मैं भी लड़ाई छुड़ाने नहीं जाऊंगा, मैं पीछे पलट के चल दूंगा। उस सिनेरियो में ना रजत जैसा ही बंदा जा सकता है जो सनकी हो, हम में से कोई नहीं जाने वाला लड़ाई छुड़ाने। मैं तो अभी भी बोलता हूँ मैं वो बंदा हूँ जो कलेश देखता है और देख के एंजॉय करता है पॉपकॉर्न लेके, लड़ने नहीं जाता मैं। नहीं मैं तो जाती मेरे बाप को बोल के दिखा। अरे जीतू ताकी ताकी ताकी, अरे देख ली ताकी जीतू पानी पीतू साइड हो तू। आप चाहत बांडे को कॉल आउट कर रहे हो विक्टिम गार्ड वुमेन गार्ड की औरतों के लिए बोला है, वो गलत बात थी चाहत बांडे की साइड से किसने बोला, बट उसके अलावा भी आगे पीछे बहुत कुछ बोला था, सिर्फ एक ही पॉइंट उठाना था आपको। मेरा एक क्वेश्चन है तुम सबसे, शो शुरू हुए एक महीना हो चुका है, एलिश कौशिक, ईशा सिंह, अविनाश मिश्रा, विवेंडी सेना कितनी बार कॉल आउट हुए, कितनी बार? या तो वो शो में दिख नहीं रहते तो अलग बात होती कि भाई आपका कोई वजूद ही नहीं, ये बोल देते चलो ये तो बोला नहीं, मतलब कुछ तो कर रहे हो। अब या तो वो मोरली इतने सही है या गेम उनका इतना बढ़िया है कि आपको लगता है कि इनको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, वो जो कर रहे बिल्कुल सही है, उन्हें कोई फीडबैक की जरूरत नहीं। कितनी बार फीडबैक मिला इनको? एक बार भी नहीं, एक बार भी प्रॉपर फीडबैक नहीं दिया गया है। तो उनके हिसाब से जो वो कर रहे हैं वो बेस्ट चीज चल रही है और वो अपनी हदें पार करते जा रहे हैं, तब आपने कॉल आउट नहीं किया। आप सारा को कॉल आउट कर रहे हो, वेल पॉइंटेड है, बहुत अच्छी बात है आपने कॉल आउट किया बेला आंटी को, बट बेला आंटी ने जो पॉइंट रखे थे वो भी आप कैसे झुटला सकते हो यार? For some reason, जब हम लोग कुछ बोलते हैं तो it's always wrong, but when he says it or Vivian says it, it's always right. बाप सोचो कुछ तो गलत कर रहे हो ना, तभी आप तो बोल रहे हैं कि जैसे ही कोई दूसरा बंदा इन चार के अलावा बोलता है वो गलत हो जाता है, आप उसको सडनली उठा देते हो वुमन गार्ड। एलिश कौशिक ईशा सिंह दोनों करी है, उस पर तो आप नहीं बोले, आज रोहित शेट्टी पहली बार बोलेगा एलिश कौशिक को, वो भी डायरेक्टली नहीं बोलेगा जितनी क्लियरली तुमने चाहत पांडे को बोला है, बोलो ना उसको भी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। करणवीर मेहरा के लिए मैंने तुम्हें बोला था कॉल आउट करना चाहिए था, कॉल आउट हुआ है, बट उसके लिए भी बायस्ड मेकर्स है उसके रिस्पॉन्सिबल। तुम वीक वन वीक टू से लेके उसके पीछे पड़े हो, टारगेटेड हो, बिग बॉस पीछे पड़ गए, जब वो दिख रहा था तुमने उसको शांत करा, उसको कंफ्यूज कर दिया कि भाई क्या गलत चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, क्या गलत चल रहा है। लाडले को आप कुछ कहते ही नहीं, लाडले मेरे को अब थोड़ा बहुत सही लगने लग गया जब वो लड़ाइयों में पार्टिसिपेट कर रहा है या अपना ओपिनियन दे रहा है, तभी भी अपने करणवीर को पकड़ा हुआ है कि आपका गेम नहीं दिख रहा, जो भाई मेरे को लगता है वो कंफ्यूज है क्योंकि उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। और हर वीक आके तुम उसे कॉल आउट कर दोगे, हर बंदा कॉन्शियस हो जाएगा यार कुछ गलत तो नहीं कर रहा भाई साहब। रजत छाया मेरे को, रजत पसंद आया भाई, अभी तो रजत और खुलेगा मैं बता रहा हूँ, बस हाथ ना खोले ये बंदा सही ट्रैक पे, मेरे को तो लगता सही ट्रैक पे, धमका भाई तू धमका, बट बाद में पलट के जो सॉरी बोलता है ना वो भी मत बोल। साले तुम बोलते हो गालियां दे रहे हो, गालियां देना गलत है, माँ पे जा रहे हो, अरे माँ मैंने बनाई है गालियां हैं बहन के, ये मैंने बनाई है, ये तो बनी हुई है गालियां, इसमें किसी की माँ को गाली नहीं दे रहे, ये तो बस भावना है जो प्रकट हो रही है हमारी। और अगर ये आप गलत कह रहे हो तो किसी को फट्टू बोलना, यूटर्न मारना, बदलू बोलना, ये कौन सा सही हो गया, थाली का बैगन बोलना, ये कौन सी भाषा सभ्य भाषा होती है? ये तो आपने अपनी मोरली से डिसाइड कर लिया कि हाँ ये सेगमेंट गलत वाली बात है, ये अलाउड करते हैं। आप नैपी नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकता मैं? अगर कोई बंदा जूनियर आर्टिस्ट बोल के डिफाइन कर सकता है तो मैं डाइपर पॉटी सब बोल सकता हूँ। आप अपने हिपोक्रेट डबल स्टैंडर्ड दिखा रहे हो मुझे मेकर्स में, सही बोल रहा हूँ मैं? एक टाइम पे बिग बॉस पर्सनैलिटी का शो था, अब नरेटिव का शो है, हमें जो दिखाना हम दिखाएंगे, और ये करने के लिए सिर्फ एक ही रीजन है, उन्हें रिएक्शन चाहिए पब्लिक का। शेम ऑन कलर्स हुआ ट्रेंड, उसमें से कितनी बातें उठाई उठाई तो कितनी बातें कॉल आउट करी, सारी तो घुमा के रजत और चाहत पर घुसेड़ दी तुमने। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अगर आप वुमन गार्ड चाहत पांडे के इस पे कहते हो कि हाँ हाइजीन पे और इस पे, तो भाई साहब एलिश कौशिक ने फादर डॉटर का रिश्ते पे क्वेश्चन कर दिया, करणवीर की मर्दानगी पे क्वेश्चन कर दिया, उसको चुगली आंटी ननद कर दिया, ये सब तुम वैलिड बोलते हो, बट कोई बंदा गाली देता तुम उसे कॉल आउट कर दोगे, और तुम फिर वुमन गार्ड की बात कर रहे हो, तुम रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो एक जगह पे बोलते हो रिस्पेक्ट और दूसरी जगह पे इक्वालिटी की बात करते हो, और एकता कपूर सही बंदी नहीं है फेमिनिज्म और इक्वालिटी की बात करने वाली, तुम प्रिविलेज थे प्रिविलेज और प्रिविलेज रहोगे, आप या तो मंदबुद्धि थे या आपके कान में कोई बैठा था, क्योंकि जो रजत बातें बोल रहा था ना आप अपना कोई ओपिनियन दे पा रहे थे उसमें, और जो आपको सुनाई दे रहा था वो मोस्टली आप इग्नोर कर रहे थे। आप पता नहीं भाई, आप एक तो एक्टिंग इतनी घटिया करिए ना, चुप्पे सुपारी निकाल के बात कर चल। कल किसी ने मेरे को दो तीन लोगों ने बोला भाई आज तू एकता कपूर को झाड़ेगा, अरे झाड़ने वाला काम किया उसने। आई रियली होप कि रोहित शेट्टी ना आगे करणवीर बंदा भाई, उस बंदे को थोड़ा सपोर्ट चाहिए, उसको थोड़ी गाइडेंस दो, तुम हर वीक में आके उसे कॉल आउट कर दे तो किसी ना किसी बात में वो क्या करे बंदा, सुबह उठ के बैठ के बस खाते वक्त सोचता होगा यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मैं क्या, मैं कुछ कर रहा था तब गलत था, तब मैं नरेटिव सेट कर रहा था, अभी मैं अपना ओपिनियन सब कुछ ऑब्जर्व करने के बाद दे रहा हूँ, नहीं आप उस टाइम क्यों नहीं बोले, अबे नहीं है ओपिनियन यार,
और मैं बता रहा हूँ इनके कहने पर अगर वो करना शुरू भी कर देगा ना तब इस बात पे भी कॉल आउट करेंगे, आप गलत हो, आप इस मैटर में गलत। अरे तुमने सोचने का मौका नहीं दिया, सोच के बोलूं तो गलत हूं, बिना सोचे बोलूं तो भी तुम गलत कर दोगे, चिट भी मेरी पट भी मेरी, और बाहर बैठी ऑडियंस यही करती रहेगी भाई बायस दे बायस, हम क्या कर रहे हैं देख के फुद्दू कटवा रहे हैं अपना। आज मैं करता भी नहीं, बस ये मुनव्वर की न्यूज थी इसलिए मेरे को दोनों घुसेड़ना ही था, और ये रोहित शेट्टी वाला शायद मैं कवर भी ना करूं, कल मैं कुछ और करूंगा वीडियो। अरे फुद्दू काट दिया यार मेरा भाई, इतना तरस आता है ना इन बंदों पे कि सिर्फ चार लोगों को दिखाने के लिए या उनको सही साबित करने के लिए पूरे घर को गलत साबित कर रखा है, चार लोगों की फैंडम बचाने के लिए पूरे घर के जो फैंस हैं उनको ऑफेंड करवा रखा है, और सिर्फ फायदा उठाने के लिए अपने शो का। भाई आने वाले टाइम में नो डाउट और कलेशी लोग आएंगे और गलत बातें होंगी, और इसको फैमिली शो का क्रेडिट जो देते आ रहे हैं ना उसको और प्रमोट करना चाहेंगे। फैमिली शो नहीं रहा, पर्सनैलिटी शो नहीं रहा, ये कॉन्टेंट शो बन चुका है जैसे क्रिएटर शो होता है। तो बेटर है तुम यूट्यूब पे यूट्यूबर का शो देख लो, ये कलेश मचाएंगे और कुछ नहीं। पीस आउट।